चिल्ली स्टेडियम में गुरुवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर रांची जिला तीरंदाजी संघ एवं चिल्ली बिरसा मुंडा आर्चरी संघ के संयुक्त तत्वाधान में 5 लाख अंतर विद्यालय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 21 विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि राज्य विकास परिषद के उपाध्यक्ष सह बिरसा मुंडा आर्चरी के संरक्षक सुदेश कुमार महतो एवं बिरसा मुंडा आर्चरी के अध्यक्ष नेहा महतो एवं अन्य अतिथियों का बिरसा मुंडा आर्चरी के प्रशिक्षु द्वारा तिलक लगाकर एवं कस्तूरबा आवासीय विद्यालय जोन्हा की छात्राओं द्वारा फास्ट मार्च कर स्वागत किया गया। अनुज गुप्ता, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे खिलाड़ी जिन्होंने ब्रूसली का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आप लोगों के बीच में आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके सम्मान की बारी है। जिन्होंने अपने स्कूल के माध्यम से इतने हो रहा तीरंदाज यहाँ पर बता दें, इन्होंने रांची में आर्मी के इन्होंने ब्रूसली का रिकॉर्ड तोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम सिंह जी से, जिन्होंने अपने कुशलता से, अपने कौशल से कई सर्विस। हाँ हाँ ठीक।
धन्यवाद मैडम आपके शुभाशीष के लिए। हम एक छोटा सा देव प्रस्तुत करेंगे। हमारा कहते हैं हमारे सबसे की अपने दूसरे खिलाड़ियों को बाजार में लेके आए ताकि हमारे घोषणों का डेमो आप सभी को दिखा सके। सभी अतिथि मैदान में प्रवेश कर रहे हैं और प्रतियोगिता का तीर चलाकर विधिवत उद्घाटन करेंगे। हमारे सभी स्कूल के प्राचार्य, सभी स्कूल से आए हुए स्कूल के प्रतिनिधि,
सभी प्रतिभागी प्रेस मीडिया के हमारे मित्र और आकर्षण नृत्य प्रस्तुत करने वाले कस्तूरबा की सभी छात्राओं का मैं आज खेल दिवस के इस दिन में अपनी ओर से सिल्ली के इस छोटे से ग्रामीण परिवेश में लेकिन अंतरराष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इस मैदान में अपनी ओर से स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। खेल का महत्व को आप समझ सकते हैं क्योंकि ये खेल आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का एक माध्यम बन गया है। क्योंकि बचपन की आदत को हम लोग फिर ये परिवेश भारत के अंदर में लगातार रहा कि पहले माँ कहते थे कि खेलो, बच्चा खेलने गया है, उसके बाद फिर पूरा करते थे कि पूरा पढ़ना ही है, फिर पढ़ो खेलना नहीं है, इसके लिए कई तरह की बातें चली है। लेकिन मुझे केवल इसका हल्का सा ये बात को करें कि खेलने की आजादी होती थी बचपन में जब तक हम स्कूल नहीं चल पाते थे, जा नहीं पाते थे, स्कूल जाने के बाद मेरे खेलने की आजादी खत्म कर दी जाती। लेकिन ये विश्व परिवेश में परिपाटी में अब ये आंदोलन हो गया है, विश्व में सबसे शक्तिशाली देश वो कहलाने लगे हैं जिनके पास कभी होते थे कि एटॉमिक पावर जिसके पास ज्यादा है वो सबसे शक्तिशाली होगी। लेकिन अब धीरे धीरे परिवेश बदला है, ओलंपिक में जो सबसे ज्यादा मेडल ला सकता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा, ये परिपाटी अब बन गई। तो इस परिपाटी को क्योंकि 130 करोड़ का भारत एक सबसे बड़ा चाइना के बाद सबसे ज्यादा आबादी मानव संपत्ति लेकर चलने वाला ये देश, इस देश के लिए चुनौती है कि हम उस स्पर्धा में भारत को अव्वल ले जाए। तो इसके बाहर कौन हो सकते हैं, इसके बाहर कोई दूसरा नहीं आप। और आज के दिन में अच्छा लगता है कि कभी स्कूल मम्मी उंगली पकड़ के ले जाती थी और मम्मी को मैंने देखा आचरण बदला है, व्यवहार बदला है और रुचि बढ़ी है कि मम्मी पापा उंगली पकड़कर स्पोर्ट्स एकेडमी में बच्चों को ले जा रहे हैं। ये परंपरा बदली कि भाई इनको ध्यान रखना, आगे ट्यूशन टीचर रखा जाता था कि इनको ध्यान रखना अच्छे से पढ़ेंगे, आज भी बोला जाता है। लेकिन अब तो कोच से माँ दोस्ती करती है, कोच से हमारा पिताजी दोस्ती करने लगे कि भाई मेरा बेटा का थोड़ा ध्यान रखना, ये अच्छा करेगा, इसके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान रखना, ये तैयारी चल रही है। तो ये पूरी जो एक परिपाटी तैयार हो रही है, खेल का एक बेहतर माहौल तैयार हो रहा है, ऐसे माहौल चूंकि आपके पास मिले, आपको अवसर ज्यादा मिले, ये हमारी तैयारी रहेगी। मैं संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि संघ अपनी कमियों पर लगातार काम भी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पाता। ये चाहते हैं कि चूंकि आचार्य ऐसा खेल है जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर तो जमीनी तौर पर तैयार नहीं कर पाते, लेकिन इसके जो शस्त्र है उनको ये हमेशा परेशानी बनी रहती है। तो ये एक कठिन दौर है, हमारी कोशिश होगी जितने भी स्कूल से इवेंट आज हो गए, क्योंकि स्कूल अपने से सारी चीजों को मुहैया कराता है, स्कूल के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन भविष्य में ये कोशिश हमारी होगी कि स्कूल को भी सरकारी सपोर्ट स्पोर्ट्स में भी मिले। हम लोग बिल्डिंग सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्स सपोर्ट भी उनको मिले, ये तैयारी हम लोग भविष्य में करेंगे। ये मेरे अपने एक रुचि का विषय है, अपने सिल्ली में आज एक नया बैडमिंटन रॉकेट बॉल का शुभारंभ होगा। मैं उस पूरे टीम और एसोसिएशन को जो उसको संचालित कर रहे हैं उनको भी बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमने इस स्टेडियम को इस आकार का बनाया कि जितना खेल डालोगे सब इसमें आ जाएगा, तो आप जितना खेल इसी को कराओगे हम लोग उसको स्वीकार करते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से चुकी धूप में तुरंत से इनको छांव में ले जाओ, प्रतियोगिता इनकी शुरू कराओ। मेरी शुभकामना है कि सभी खिलाड़ी जितने स्कूल के प्रतिभागी यहाँ भाग ले रहे हैं दी बेस्ट करके आज जाएंगे, सबसे बेस्ट आज करिए, ये अवसर है। एक शुभ खिलाड़ी आज के इस दिन को महत्वपूर्ण मानकर, एक मील का पत्थर मानकर लोग अपनी परफॉर्म करने की तैयारी करते हैं। देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। आज आर्चरी संघ रांची की ओर से भी हमारे सिल्ली स्टेडियम में एवं अन्य दो खेल के माध्यम से संयुक्त रूप से इस खेल दिवस को बेहतर रूप से बनाने की तैयारी चल रही है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ खिलाड़ियों को, चूँकि मैंने कहा कि स्पर्धा आने वाले समय में वर्ल्ड लेवल पर कौन कितना शक्तिशाली देश है ये निर्भर करेगा कि ओलंपिक में कौन कितना जीतता है। आइए आज के दिन में इस उत्साह को और बढ़ाते हुए विश्व के उस स्पर्धा के लिए भारत को तैयार करें। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद। ये खेल
खेल दिवस के अवसर पे हमारे तरफ से आयोजित कार्यक्रम है जिसमें आर्चरी के रिकअप, कंपाउंड, इंडियन राउंड सब खेले जा रहे हैं। ये रांची डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी बच्चे, स्कूल्स के, इंटर स्कूल के सभी बच्चे यहाँ पे आए रांची डिस्ट्रिक्ट की ओर से बच्चे आज परफॉर्म करेंगे। एक नया गेम है वो भी इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या बोलता आज कोई नए खिलाड़ी भी यहाँ पर आए हैं, कोई खिलाड़ी भी यहाँ पर आए हैं। हमारे सभी अच्छे और सभी इंटरनेशनल खिलाड़ी है और मधुमिता, कोमलिका ये लोग तो अपने मधुमिता ट्रेनिंग में गई हुई है रेलवे कैंप के, और बाकी हमारे ये अपकमिंग सब खिलाड़ी है जो आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। और कुछ खास इस आयोजन का? ये बच्चों को इनकरेज करना है, माँ बाप को इनकरेज करना है, टीचर्स, प्रिंसिपल, कि अपने रोजाने जिंदगी में, सामान्य जीवन में बहुत ज़रूरी है खेल को लाना, मतलब अपने हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे सर ने भी कहा, अब परमाणु और इनसे देश का नहीं होता है नाम, वो है कि कितने बच्चे हमारे मेडल लेके आ रहे हैं अपने देश के लिए, इससे देश का नाम बढ़ता है। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और इस अवसर पर हमारे सिल्ली स्टेडियम परिसर में विभिन्न स्कूल से और गवर्नमेंट स्कूल से लेके विभिन्न एकेडमी से आए हुए जो बच्चे हैं, मैं इनको सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ और इससे यही सीख मिल रहा है कि हमारे सुदूर क्षेत्र के बच्चे बढ़ चढ़ के इस स्पोर्ट्स में भाग लें ताकि उनका अपने ब्लॉक से लेके जिले तक उनका जो हुनर है, उनका जो जो शक्ति है अंदर में, जो पावर है वो दिखे, तभी हमारे हमारे जो झारखंड में ऐसे ऐसे प्रतिभागियों का पहचान हो पाएगा। इसके माध्यम से हम अभी जान रहे हैं कि पूरे झारखंड में अभी स्पोर्ट्स को लेके कई ऐसे एकेडमी खोले जा रहे हैं ताकि हमारे सुदूर क्षेत्र के बच्चे उस जगह पे पहुंच पाएँ और हमारे इस भारतवर्ष का नाम रोशन करें। कई ऐसे प्रतिभागी हमारे झारखंड से, अभी मधुमिता हाल ही में हमारा अंतर्राष्ट्रीय खेल खेल के आई हैं और हमारे इस झारखंड का नाम रोशन की है। हाँ, मैं तो JSSPS के तरफ से आई हूँ, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी का कोच हूँ मैं, और ये जो फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे स्कूल से डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरी है किसी भी गेम को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आप किसी भी कंट्री को देखेंगे, जैसे आर्चरी में आप कोरिया को देखेंगे, तो वो लोगों का डेवलपमेंट स्कूल लेवल से ही होता है। स्कूल से आएंगे तो स्कूल अगर उद्योग होगा तो फिर ये स्पोर्ट्स और भी आगे बढ़ सकता है। स्कूल से आएंगे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में, स्टेट से नेशनल में, नेशनल से इंटरनेशनल में जाएंगे, तो मेन तो है स्कूल। तो स्कूल से आते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये तो डेवलपमेंट तो होता ही है। सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में तो आप भी आयुष्मान का लाभ लेने जरूर आए। सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में ध्यान रहे, आयुष्मान का लाभ सिर्फ राशन कार्ड धारियों के लिए उपलब्ध है। तो जब भी आप आए सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में आयुष्मान का लाभ लेने, तो अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लाना ना भूले। 24 घंटे मरीजों का इलाज किया जाता है सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में। सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में सभी तरह के फैसिलिटी उपलब्ध है, जैसे सीटी स्कैन, इको, ऑक्सीजन, ईसीजी, पल्स ऑक्सीमीटर, पैथोलॉजी, नेबुलाइजर, बेड केबिन, सक्शन मशीन, फोटोथेरेपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, इम्यूनाइजेशन, ऑपरेशन मेजर एंड माइनर, और साथ ही साथ एम्बुलेंस की सेवा 24 घंटे, सी आर्म, पीडियाट्रिक फैसिलिटी और कैंटीन की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो आए आयुष्मान का लाभ लेने हमारे हॉस्पिटल सिंहपुर नर्सिंग होम मुरी में। अब तक 700 से अधिक मरीजों ने सिंहपुर नर्सिंग होम में
आयुष्मान का लाभ उठाया है।